तो अभी हमने चाय कॉफी पी के निकल रहे हैं आगरकर इंस्टीट्यूट ना। हाँ, और यहाँ पे हमें जो मेन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है ना, जो एकदम आइकॉनिक है, देखो वो हमें दिख गई है। यहाँ पे एक फोटो निकालना बनता है और थोड़ा देख भी लेंगे, इसलिए यहाँ पर आए। कितनी सुंदर है। हाँ, खूब सुंदर है। जे काम इथं होणार होतं ते त्यासाठी पूर्ण त्याचं सॅम्पल लागतं। आम्ही त्याचा एखादा छोटा पार्ट आणलाय, व्लॉग करते ऐती का। ही आमची सिनियर, हिला तू व्लॉग बघत होती का फ्रेशर्स पार्टीचा? हा, तरी त्यामध्ये मी बघितलं असेल। ये है सौरभ, बीच में इसके साथ कुछ तो हुआ, अभी नहीं बता तुम्हें, वो छोटा टाइम उसके बाद बताएंगे। और चैतन्य की फोटोग्राफी स्किल्स तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर अंकिता मैडम के कोई फोटोज खत्म ही नहीं हो रहे। नहीं देख रहे हो रे, मैं कैसे कितने मस्त है देखो। हाय, हेलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए व्लॉग में। तो लास्ट ईयर मैंने फ्रेशर्स पार्टी का व्लॉग बनाया था, और वो एक क्या बोल सकते हैं, एक लौता व्लॉग है जो कॉलेज का व्लॉग है। उसके बाद से मैंने बनाया नहीं कोई कॉलेज का व्लॉग ड्यू टू सम रीजंस। बट अभी कॉलेज के काम से पुणे यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वो भी कॉलेज के दोस्तों के साथ, इसीलिए ये व्लॉग बन रहा है। तो यहाँ पर है सबसे पहले हमारे साथ अंकिता, अश्विनी, जयेश, सौरभ और प्रतीक। तो हम सब जाने वाले हैं पुणे यूनिवर्सिटी, तो इसका एक छोटा सा व्लॉग बनेगा। हम मतलब काम से तो जा रही है, और काम तो इतना ज़्यादा वाहियात है ना, मतलब फिल्म में जो बता रहा था वाहियात काम है, तो वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता कैमरे के सामने, बट बहुत ही ज़्यादा वाहियात काम है। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पहुँच गए, और बहुत ही ज़्यादा धूप है, मतलब मैं तो पूरा टैन होने वाला हूँ, क्योंकि मैं एकदम हाफ स्लीव्स पहन के आया हूँ। तो ये जो एकर है ना, मतलब जितनी भी ज़मीन है ना इस यूनिवर्सिटी की, वो 330 के एकर के आसपास है, तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो मतलब अगर आपको घूमना है ना, तो आपको ये स्कूटी पे ही घूमना पड़ेगा, या फिर आपकी जो व्हीकल है उस पे घूमना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो अभी देखते हैं, अभी जो जिधर एक्चुअली काम है ना उधर जाते हैं, उधर भी थोड़ा बहुत शूट करूँगा। और यहाँ पे ये दोनों आ गए, बताओ क्या वो क्या हुआ तुम्हारे साथ बीच में? जाने दो भाई। छोड़ो छोड़ो, चाल दो, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था ना, मतलब कभी नहीं गया हूँ मैं पुणे यूनिवर्सिटी अंदर, मतलब। और इतना अपने शॉट्स भी देखे होंगे, पूरा ऐसे जंगल टाइप है, एकदम सुकून है, और एकदम बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी करके बिल्डिंग है, तो अंदर जाएंगे, हो सकेगा तो शूट करूँगा, नहीं तो देख लेना आगे क्या होता है। तो पहली बार मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाई थी, मतलब थोड़ा टाइम लगा समझने में, बट भाई मज़ा आ गया चला के। और अंकिता, मैंने ठीक ठाक चले ना गाड़ी? ये है सौरभ, बीच में इसके साथ कुछ तो हुआ, अभी नहीं बता तुम्हें, वो छोटा टाइम उसके बाद बताएंगे। तो ये जो पुणे यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग्स है ना, वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम की है बिल्डिंग। तो मुझे पता नहीं आपको ये इंसिडेंट पता है कि नहीं, पर चापेकर बंधु करके एक फ्रीडम फाइटर है जो कि चिंचवड़ से थे, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे रैंड, उनको मारने का। तो उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना, ये एक एक्चुअली पूरा ऑफिस हुआ करता था, और यहाँ पर एक पार्टी थी, तो प्रोफेसर रैंड यहाँ से निकले थे, और फिर चापेकर बंधु ने उनको मार डाला था। तो वो जो पार्टी थी ना जिसमें से रैंड निकला था, तो ये वही बिल्डिंग से है। अश्विनी, क्या झालं आत्ता आतमध्ये? काय झालं? काय झालं, जे काम इथं होणार होतं ते त्यासाठी पूर्ण त्याचं सॅम्पल लागतं। आम्ही त्याचा एखादा छोटा पार्ट आणलाय, ते आता दुसऱ्या इन्स्टिट्यूट, रिसर्च इन्स्टिट्यूटला घेऊन जायचंय। सो आता ते म्हणतात ना, ज्ञानात भर पडली।
अनुभव मिळाल एक्सपीरियंस मिळाल. औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है. तो भाई अभी SPPU के कैंटीन में आए थोड़ा चाय कॉफी पीने वाले. तो अश्विनी का एक मतलब एक जान पहचान वाला दोस्त है, तो वही हमें लेके आए यहाँ पे. तो बहुत सारे बच्चे अंदर, मेरे को थोड़ा एंजाइटी हो रहा है बट ठीक है. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है. व्लॉग करते है आई थी का ही आम जी सीनियर इना तू व्लॉग बघत होती का फ्रेशर्स पार्टीचा? हाँ तरी त्यामध्ये मी बघितलं असेल. तू पुंबाला ऍडमिशन घेतला, भारी वाटलं असं रॅन्डम मीट झाले. चल चांगलं वाटलं भेट. तो अभी हमने चाय कॉफी पी के निकल रहे आगरकर इंस्टीट्यूट ना. क्योंकि यहाँ पर जो काम होना था वो नहीं हो रहा है, तो उधर अभी जाना पड़ेगा पुस्तक के लिए. चौक में है ना वो? कोथरूड साइड आई गेस. तो अभी उधर ही जा रहे. लेट्स गो. यहाँ पे इन लड़कियों का फोटोशूट चालू है. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. हम दोनों फोटोशूट करते बैठे थे, काफी ज्यादा मस्त फोटोज आए थे. तो भाई अगर आप देखना है ना वो फोटोज तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे. और चैतन्य की फोटोग्राफी स्किल्स तो बहुत बढ़िया है. मेरी बहुत ज्यादा बढ़िया है. और मेरी तो हाँ उससे भी ज्यादा मेरी बढ़िया है. हाँ मैं बोल रहा था कि आपकी इंस्टाग्राम आईडी का प्रमोशन करना गया. नो गाइस थैंक यू सो मच. बघ माझा व्हिडिओ व्हायरल गेला तर तुझे फॉलोअर्स किती वाढते. नो थँक्स. तो यहाँ पर हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आ गए थे. यहाँ पर देखो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है. और अंकिता के मैंने काफी मस्त फोटो खींचे और मेरे भी काफी मस्त फोटोज आए. एप्पल है ना इसकी वजह से. दिखाओ दिखाओ. पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं. अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऐड कर दूंगा आगे यहाँ पर. तो मतलब बारिश भी गिरना चालू हो गई फिर भी हमारे फोटोज नहीं रुक रहे. तो अश्विनी ने बोला था हम दोनों को कि आप यूनिवर्सिटी के बाहर आओ, हम जो बाकी का काम है वो करके आते. तो हम यहाँ पर घूमते बैठे. तर अश्विनी सॉरी अभी इथे फिरत बसलो. तुम्ही काम करत बसला. सॉरी आम्ही खूप छान फोटोज पण काढले. हां खूप भारी फोटोज आले त्यासाठी सॉरी. तुम्हाला माहिती आहे बघती नंतर व्लॉग. सॉरी त्यासाठी. देख तू गया बेटा तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे. देख क्योंकि मैं बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था. हेलो ये देख लो भाई कैंपस कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है. और ये भाई साहब आहा हा यहाँ पे जो फोटोज है ना एकदम मस्त है. ये इंडोर हॉल है आई गेस. यहाँ पे जो इंडोर गेम्स होते हैं ना वो यहाँ पे खेले जाते हैं. तो काफी मस्त है ये. और बारिश भी रुक गई, मतलब 2 मिनट के लिए आई थी बारिश फिर रुक गई है. और यहाँ पर अंकिता मैडम के कोई फोटोज खत्म ही नहीं हो रहे. नहीं देख रही हूँ रे मैं कैसे. कितने मस्त है देखो बैकग्राउंड. चैतन्य के फोटो देखो. नहीं ये वाला नहीं रे, ये वाला अच्छा है. ये पसंद आया मेरे को. पता नहीं क्यों ये अंकिता को पसंद आया तो ये स्टोरी में डालने वाला हूँ मैं. और ये वाला ये अंकिता का 29 को बर्थडे है. तो ये यही फोटो डालने वाला है अभी स्टेटस स्टोरी पे. अच्छा यहाँ पे अंकिता थोड़ा ट्राई कर रही है कैसी पोजीस आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ. अंकिता मैं कहता हूँ कि अभी निकलना चाहिए नहीं तो अश्विनी ये व्लॉग देख के गाली देगी हमको. फोटो देख के तो देने ही वाली है. हाँ तो बोलेगी तुम दोनों खाली घूमने के लिए आए हो क्या, हमको तो भूल ही गए. तो अभी हम वो जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है ना उधर से निकल गए. और यहाँ पे हमें जो मेन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है ना जो एकदम आइकॉनिक है देखो वो हमें दिख गई है. यहाँ पे एक फोटो निकालना बनता है और थोड़ा देख भी लेंगे इसलिए यहाँ पर आए हैं. हाँ खूब सुंदर है. Devil, no,
यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि हम यूनिवर्सिटी के काम के लिए आए, क्योंकि जब से आप यहाँ पर आए ना तो तब से हम और अंकिता फोटोशूट ही कर रहे हैं। देखो मतलब यहाँ पे भी इतना ज्यादा फोटोज निकाले ना, मतलब क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो इतनी ज्यादा फोटोजेनिक है ना, मतलब सभी जगह पर हर एक कोना आपको अच्छा फोटो मिल जाएगा, इतनी मस्त जगह है और फ्लावर्स तो इतने ज्यादा ब्यूटीफुल थे ना। आपका क्या कहना है अंकिता? मुझे कुछ कहना ही नहीं है। शर्मा गई, हिंदुस्तानी लड़कियां कितनी अच्छी होती हैं। आप अगर कुछ कहोगे नहीं तो मैं यहाँ पे मीम डाल दूंगा। ठीक है, डाल दो। Emotional damage। यहाँ पर हम SPPU के बाहर आ गए और अश्विनी ने बोला था हम बाहर आ रहे, तो हम बाहर आके रुके, अभी तक आए नहीं है। मतलब अंदर जो बैठे थे वो अच्छा था। तो, क्या 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 बोली? बारिश हो रही थी ना इतनी ज्यादा। हाँ ना, बहुत ज्यादा। अश्विनी बघेलसाठी आम्ही एवढं आलो केलं आहे, तू झाली नाही। दिस इज नॉट डन अश्विनी, ये ना ये ना। कमाल रे बाबा, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। आम्ही कॉलेजमधून आज आमच्या प्रोजेक्ट वर्कसाठी SPPU ला निघालो होतो। तिथून आम्हाला थोडं प्लांट ड्रग सॅम्पलचं सर्टिफिकेट पाहिजे होतं, आयडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर अवर प्रोजेक्ट वर्क। सो आम्ही तिथे गेलो। SPPU मध्ये टोटल 52 डिपार्टमेंट्स आहेत, त्याच्यात आम्हाला बॉटनी डिपार्टमेंटमध्ये काम होतं आणि तिथे आम्ही गेलो। हेड बॉटनी डिपार्टमेंटच्या हेडला भेटलो आणि आम्हाला गायडन्स दिला की काय प्रोसेसने तुम्ही पुढे जावा। SPPU मध्ये तर काम आमचं झालं नाही, पण पुढे जे आघारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे SB रोडला, तिथे आम्ही गेलो, तिथून चौकशी केली आणि आता नेक्स्ट 15 डेज मध्ये होपफुली आपल्याला ते काम कम्प्लीट करायचंय, म्हणजे आपल्याला प्रोजेक्टच्या नेक्स्ट स्टेपला जाते। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही रखते, अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि व्लॉगिंग चैतन्य या चॅनलला सबस्क्राईब करा। और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो बेल आइकॉन भी दबा देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अगर ये वीडियो अच्छा गया, वायरल गया, तो इसके साथ और व्लॉग्स बनोगा, चलेगा ना? हियर चैतन्य साइनिंग ऑफ। अगर बाकी अगर आपको पुणे के फूड व्लॉग्स देखने ना तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो, और अगर आपको पुणे के ट्रैवल वीडियोस देखने ना तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन चैतन्य पिंपुटकर साइनिंग ऑफ।